एवरीवन, आज मेरे पास एक डिमांड आई थी, उसके ऊपर मैं रीडिंग करने जा रही हूँ कि सिंगल्स की लाइफ में क्या आ रहा है। ठीक है, ये वाली वीडियो मैं अभी डाल दूंगी शाम को, और रात को एक वीडियो आएगी उसमें मैं ये बताऊंगी कि अगर आप किसी का वेट कर रहे हैं तो उन वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, और आप दोनों के रिश्ते में रीयूनियन होगा तो कब तक होगा। वो वीडियो मैं रात को डालूंगी। ठीक है, अभी सिंगल्स के लिए है ये वीडियो। सिंगल्स के लिए ये डिमांड थी। वैसे तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं उसमें, लेकिन इतने सारे टॉपिक्स एक वीडियो में कवर नहीं हो सकते। तो सिंगल्स की शादी कब तक होगी, इसमें हम ये कवर करेंगे, और उस पर्सन के कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होंगे जिनसे आपकी शादी होगी। ठीक है, याद रहे ये वीडियो सिर्फ सिंगल्स के लिए है, वो भी डिमांड पर। तो सिंगल्स के लिए मैं वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि सिंगल्स की लाइफ में अगर कोई आ रहा है तो उस पर्सन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। पहले मैं ये चेक कर लूँगी कि सिंगल्स की लाइफ में अगर कोई पर्सन आ रहा है तो वो पर्सन कैसा होगा। ठीक है, मतलब सिंगल्स की लाइफ में जो भी, मतलब जो जिनकी लाइफ में कोई नहीं है अभी, उनकी लाइफ में जो भी पर्सन आएगा वो कैसा होगा, हम 6 कार्ड्स में देखेंगे। सिंगल्स की लाइफ में जो भी व्यूअर्स यहाँ पर आएंगे और वो सिंगल हैं, तो उनकी लाइफ में अगर कोई पर्सन आएगा तो वो कैसा होगा। सिंगल्स की लाइफ में जो भी पर्सन आएगा वो कैसा होगा। ओके ओके ओके, पहली बात तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आप लोग जो भी सिंगल्स हैं जिनकी लाइफ में भी कोई नहीं है, बहुत टाइम से आप लोग शादी का वेट कर रहे हैं, आपका प्रोसेस यहाँ पे बहुत स्लो है। तो वो प्रोसेस एक तो स्पीड होने वाला है, बहुत जल्दी आपकी तरफ मुझे कोई आता हुआ दिख रहा है। अब वो पर्सन कैसा होगा, तो उसमें एक तो वो पर्सन को हर चीज़ में विक्ट्री चाहिए होगी, मतलब हर चीज़ में उसको जीत पसंद होगी, या वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल पर्सन होगा जो आपकी लाइफ में आएगा। थोड़ी सी इमैच्योरिटी मुझे दिख रही है, बचपना उसमें होगा, हो सकता है आपसे एज में छोटा हो, या उसकी हरकतें थोड़ी आपसे इमैच्योर हो। ठीक है, पर आता हुआ मुझे आपकी तरफ दिख रहा है, उसको ट्रैवल का बहुत ज़्यादा शौक़ होगा, मतलब वर्ल्ड ट्रैवल करने का, या इंडिया में घूमने का, या उसका बिज़नेस कुछ ऐसा होगा कि वो पर्सन उस बिज़नेस के लिए बहुत ज़्यादा ट्रैवल करता होगा। ठीक है, आ तो वो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा स्पीड से रहा है, लेकिन एक चीज़ ऐसी होगी उसमें कि वो हर काम को थोड़ा सा हड़बड़ी में करता होगा, क्योंकि उसको हर काम मतलब बहुत ज़्यादा एक्यूरेट टाइम पर चाहिए। ठीक है, तो वो किसी भी काम में डिले पसंद नहीं करेगा, थोड़ा सा इमोशनल पर्सन होगा। ठीक है, आपका बैलेंस सही बैठेगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल होगा। तो ये तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और अगर आपकी स्टेबिलिटी बहुत अच्छी इसके साथ रहेगी, मतलब पैसे की भी मुझे कोई दिक्कत नहीं दिख रही है आगे। ठीक है, मतलब आप दोनों की लाइफ में पैसे की भी मुझे कोई दिक्कत नहीं दिख रही है, और स्टेबिलिटी अच्छी रहेगी, और सक्सेस आप दोनों को हर चीज़ में मिलेगी, क्योंकि उस पर्सन को सक्सेसफुल बनने का बहुत ज़्यादा शौक होगा, या वो ऑलरेडी सक्सेसफुल होंगे। तो ये तो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब नेक्स्ट मैं देख लेती हूँ कि कब तक होगी आपकी मैरिज। ठीक है, अब देखते हैं कि सिंगल्स जो भी व्यूअर्स यहाँ पर आएंगे, अगर वो अपनी शादी का वेट कर रहे हैं तो आपकी शादी कब तक हो सकती है। देखते हैं कि सिंगल्स की मैरिज कब तक होगी, जो भी आप शादी का वेट कर रहे हैं, हम एक कार्ड लेंगे। ओके, यहाँ पे 6 to 7 weeks या 6 to 7 months अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग लगाइएगा। ठीक है, 6 हफ्ते से लेके 7 हफ्ते के बीच में, या 6 से 7 महीने के बीच में इसी साल में 2024 में मुझे आपकी शादी होती हुई दिखाई दे रही है। अभी थोड़ा कन्फ्यूजन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, हो सकता है आप ऑप्शंस ढूंढ रहे हो, देख रहे हो, कोई पसंद ना आ रहा हो, लेकिन इस बीच में आप लोगों का रिश्ता किसी से हो जाने का मुझे चांस दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये टाइम पीरियड है, और कैसा पर्सन होगा तो वो भी मैंने आपको बता दिया है। इससे ज़्यादा जो डिमांड है वो मैं एक एक वीडियो करके कवर करूँगी। ठीक है, एक साथ नहीं हो पाएगा, ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो एनर्जी को क्लेम करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपसे एनर्जी रेजोनेट हो। थैंक यू।